साधु के भेष में आए ठग नकद और जेवरात लूटकर फरार। मामला कटिहार कोड़ा थाना क्षेत्र के गेराबाड़ी के रहने वाले पंकज सिंह के घर का है, जहां साधु के भेष में आए दो लोगों ने उन्हें उनका पुराना रिश्तेदार होने का हवाला दिया, सांस्कारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाने की बात कही और उत्तर प्रदेश जाने के क्रम में रात में उन्हीं के घर रुकने की इजाजत मांगी। दोनों को रुकने की जगह दे दी गई। फिर क्या था, रात में ग्रामीणों की मौजूदगी में पहले तो दोनों ठगों ने खूब धार्मिक बातें सुनाई और फिर घर वालों को अपने से बनाकर लिट्टी चोखा खिलाने की इच्छा जताई। बताया जाता है कि इस लिट्टी चोखा में ही नशे की दवा मिला दी गई थी, जिससे घर वाले बेहोश हो गए और दोनों लुटेरे ने नकद और जेवरात लूटकर फरार हो गए। घर वालों की माने तो नशे की डोज इतनी गहरी थी कि उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कई दिन लग गए। वो तो भला हो कि कुछ ग्रामीणों ने, जिन्होंने बगैर सोचे समझे धार्मिक गीत को मोबाइल कैमरे में कैद करने के दौरान इन दोनों की तस्वीर कैद करके रखी थी, नहीं तो उनका अता पता तक मिलना मुश्किल था। क्योंकि बोला कि हम इसका अथी है, भाई है, ऐसे से बात है और रहना चाहते हैं, हमको भंडारा खर्चा दीजिए। हमारा माय विश्वास कर लिया, 95,000 रुपया नगद दिए भंडारा खर्चा के लिए। वो कपड़ा 3300 रुपया कपड़ा खरीदा, कपड़ा 3300 रुपया खरीदने के बाद वो बोला कि हम रहेंगे लुंगी गंजी। तब बोला कि भैया कहाँ गया, तो ये बोली कि कटिहार गया। तो कटिहार गया तो सब लिट्टी चोखा में खिलेले था, पर्व था रात वाला बात में। उसके बाद तब अथी होगा भोर में जब देखे कि जब इस लोग नहीं है तो नहीं है, तो मान के चलिए जब अथी कर चला गया तो उसको खोज खबर नहीं हुआ। तो इसको जब होश उस आया तब देखा गया, यही सब कहानी हुआ। कहानी के बाद उसके बाद पता लगाए, मंगल को देखे पर प्रशासन से उसको सहायता मांगे, सहायता मांगने के बाद यही सब काम किए। तो एगो आँख कहना है, ये बाया आँख, एगो अथी है, उसके बाद एक वो आपका चितल चितल दाग है, हल्का दाढ़ी है, वही सब है। मतलब पूरा बाबा का वेशभूषा? हाँ हाँ, बाबा सरंगी तरंगी सब है। उसके बाद लिट्टी चोखा बना खिलाया था, आप यहाँ ठहरे थे? हाँ, वो बोला भाई है तो फलना चीज सिखाया। सब पूरा खानदान का नाम लिया ना, मौसी का नाम लिया, उसका नाम लिया। सिंह का बेटा आया हुआ है परमोसी, वहाँ अपना अपना भाई का नाम बता रहा है, अपना घर पहले का घर है वैशाली जिला, वहाँ का नाम बता रहा है। वैशाली जिला हमारा ननद का भी ससुराल है, उसका भी नाम बता रहा है। पुष्पा देवी मेरा बहन का नाम है, सब बताया। तो सब सोचे क्या जो हो सकता है, 18 साल पहले भागा हुआ है मेरा देवर, तो आ गया है तो अच्छा बात है। तो हम लोग चले आए देख के, हमको कुछ शक बुझाया जो ये नहीं है। फिर आदमी सब बोलने लगा जो नहीं यही है यही है, तो यहाँ पर सब बुला के लाया। उसके बाद सब बोलने लगा हाँ ये बड़ी भाई है, ये मेरा भाई है सब। तो हम लोग सोचे थे अच्छा बात है आ गया, उसका बीबी भी मर गया था उसके जाने के बाद। तो हम लोग उतना सक्षम नहीं थे जो उसको पैसा दे, रोने लगा जो नहीं भैया आप नहीं दीजिएगा, भाभी आप नहीं दीजिएगा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। गली गली हम लोग भीख मांगते हैं ना, लोग हमको गाली देता है, जो देह में कोढ़ी फूट गया है जो भीख मांग रहा है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं सरंगी उरंगी दे दे जहाँ से हम लोग पाए हैं और अपना घर में रहें। अच्छा, देखने सुनने में कैसा साधु बाबा की तरह? नहीं, विचित्र उसका शरीर था। एक दो हम लोग पूछे भी उससे, फोटो भी है अंदर। हाँ हाँ वो तो है, उसको हम पूछे जो क्या आप इतना मोटे कैसे हो गए हैं। तो हम यहाँ से जो भागे, जिसका सामान भी लेके भागा था वो मेरे घर में भाड़ा पर रह रहा था पहले, वो बोला कि जो नहीं और आपके पास माल नहीं है। पुलिस लोगों से उपलब्ध दोनों ठगों की फोटो और वीडियो के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि अगर दोनों ठग बाहर के राज्य का भी हो तो कटिहार पुलिस वहां तक भी पहुंचेगी। साथ ही कटिहार पुलिस आम जनमानस को ये संदेश भी दे रही है कि किसी अपरिचित पर भरोसा कर अपने नुकसान को दावत ना दे। आए थे लुटेरा ने, चीटिंग करके साधु के भेष में बन गए कि हम काफी दिनों से बाहर हैं, पता लगा दिया रेकी करके हम फलना जगह से आए हैं, अच्छा सिद्धि पुरुष बन के आए हैं, थोड़ा सा वह सेवा सत्कार कराया, वो अंदर गया, कुछ उनका लेके निकल गया, भाग गया। हालांकि फुटेज में उनका तस्वीर आया, हम लोग उनके तस्वीर के माध्यम से खोज रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, यदि होगी तो निश्चित कार्रवाई होगी। दूसरे स्टेट के भी होंगे तो वहाँ भी हम लोग भेज रहे हैं उनका फुटेज। घर वाले को लिट्टी चोखा बना के खिलाया था तो कुछ तो करेगा, इतना तो फ्रेंडली हो जाएगा तभी ना करेगा, फ्रेंडली हो गए
लोग को भी आप लोगों के माध्यम से जानना चाहिए कि अपरिचित आदमी को पूरी दरियाफ्त कर तब कोई घर में एंट्री दें, तो इससे हम लोग इससे बचेंगे इस तरह के अपराध से।